हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत मतलब किसी स्टॉक से रिलेटेड नहीं, एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। और क्या है उस वीडियो में कि जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक खरीदते हैं तो क्या होता है कि उनके स्टॉक गिर जाते हैं और स्टॉक जैसे ही वो बेच देते हैं स्टॉक भाग जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है और अभी तक सबके साथ होते ही है। किसी भी स्टॉक में हम एंट्री लेते हैं तो गिरता ही है, फिर उसके बाद भाग जाता है। तो ये और बहुत टाइम होता है कि हाँ लक बाई चांस कि आपने स्टॉक लिया और फिर वो तब से भागना शुरू हुआ। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, तो एक इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो है ये। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। और मैं क्यों बना रहा हूँ तो बताना चाहता हूँ, कल के दिन हमने वीडियो बनाई थी अडानी टोटल गैस से रिलेटेड, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पसंद किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, आई होप मैंने सबके आंसर भी दिए थे ओके। और अगर गलत आंसर दिया हो तो उसके लिए सॉरी एक बार दोबारा। और इस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसी चीज़ का आंसर देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और होप कि जो भी लोग मेरे से नए नए कनेक्ट हुए हैं तो वो इस वीडियो को भी देखें और एज वेल एज हमारे इस वीडियो को, जो हमारा ये वीडियो आज अभी बन रहा है, इसे भी देखें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में। और सब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी एक फैमिली क्रिएट हो सके और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके। क्योंकि एज यू नो यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि एकता में बल होता है और जब हम साथ मिलकर एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन कराएं ओके। और यहाँ पर कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। और एक श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और आप इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा और इच्छा अनुसार आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी दान देना चाहते हैं दे दीजिए, क्योंकि दान देने से हमेशा पैसा बढ़ता है। हमेशा याद रखना, दान देने से कभी पैसा घटता नहीं है। और यही मुहिम मैंने शुरू करी थी, क्योंकि जिस दिन मैंने दिया था उस दिन के बाद कि हाँ हमारा मंदिर बनना चाहिए, तो उसके लिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, कल के दिन वीडियो थी अडानी टोटल गैस से। तो अडानी टोटल गैस का अगर हम चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा के, ऑल टाइम हाई भी कहाँ से अगर हम बात करें, एक महीने से, तो एक महीने से कंटिन्यूसली शेयर ना 300 रुपये के आसपास था। उसके बाद इसने जो रैली पकड़ी, तो रैली पकड़ने के बाद यहाँ पर से ये शेयर इस तरीके से भागा जैसे कि पूछो मत ना, अच्छा खासा शेयर ये भागता हुआ नजर आया। बट अगर 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो टॉप पे लोगों ने खरीद लिया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो कंटिन्यूसली 2 दिन गिरा, और 2 दिन गिरने के बाद यहाँ पर लोग डर गए, और डरने के बाद लोगों ने काफ़ी लोगों ने एग्जिट कर दिया। काफ़ी लोग आज के दिन एग्जिट करने का प्लान बना रहे थे, बट जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी होगी, कौन सी, यही सेम वीडियो जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, अडानी टोटल गैस खरीदने का बेहतरीन मौका। मैंने आपसे क्या कहा था, अडानी गैस टोटल गैस खरीदने का बेहतरीन मौका, इस गिरावट का फायदा उठा सकते हो तो उठा लो ओके, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सॉरी। तो आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन सेम वही हुआ जो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होते साथ अच्छा खासा ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 10% का इसने अपर सर्किट भी लगा दिया। क्यों, किस लिए, तो देखिए हमारे साथ क्या होता है कि हम जब भी हम शेयर खरीदते हैं, सबसे पहले आप जब भी शेयर खरीदिए तो पहले देखिए कि ये शेयर ज़्यादा भाग तो नहीं गया, क्योंकि आप एक महीने से आप देख रहे हो तो एक महीने से शेयर भाग ही रहा है। अब कोई शेयर भाग रहा है तो उसको थोड़ा बहुत सांस भी तो लेगा ना। आप भी अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भागते हैं तो आप भी 5 मिनट 2 मिनट का आप रनिंग भी करते हैं तो आप गैप लेते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये शेयर भी गैप लेते हैं, और गैप लेने का मतलब इनका क्या है कि ये टाइम लेना, मतलब या तो कंसोलिडेशन फेज में चले जाना ओके काफ़ी टाइम के लिए, या फिर गिरावट होना। और इस तरीके से गिरावट होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है तो ऑपरेटर होते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो गेम प्लान करते हैं, और गेम प्लान करने के बाद यहाँ से वो निकलते हैं, और निकलने के बाद खरीदते हैं दोबारा शेयर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं कल भी आपको एक बात बताई थी कि ये जो शेयर है आज के दिन 92, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर RSI चेंज हो रही है, तो इनका मानना है कि RSI 70 से ऊपर हो गई तो हमें बेच के निकलना है, और यहाँ पर RSI कितनी हो गई थी 92, और बात की जाए RSI अगर 30 से नीचे होगी तो हमें खरीदना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर RSI ज़्यादा हो गई थी, लोगों ने बेचना शुरू किया, उसके बाद कल की डेट में अगर बात करें तो कल की डेट में इसकी RSI
62 के लगभग आ गई थी जो कि फेवरेबल थी। तो उन्होंने आज के दिन अगर हम देखते हैं तो आज के दिन यहाँ पर शेयर में बदलाव आया और शेयर में बदलाव आने के बाद यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ नजर आया और 10% का इसने अपर सर्किट लगा दिया। मुझे तो लग रहा था कि ये थोड़े टाइम के लिए शायद एक महीने के लिए कंसोलिडेट करेगा ताकि अपने रिजल्ट तक, फिर उसके बाद गैप जंप दिखाएगा, बट अच्छी बात है इसने आज के दिन ही जंप दिखाया। और बताना चाहता हूँ अडानी ग्रुप में यही एक ऐसा शेयर है, लोग कह रहे थे कि जेपी अगर आप कमेंट पढ़ेंगे ओके तो लोग डर भी रहे थे और अलग अलग व्यूज़ दे रहे थे, काफ़ी लोग ऑप्टिमिस्ट भी थे और बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाए तो होपफुल भी थे कम शेयर को लेके, जस्ट बिकॉज ऑफ दो चार लिंक हो गए या फिर जो भी है। बट मैं किसी पर्टिकुलर लिंक से रिलेटेड नहीं, मैं इसे इसके फाइनेंशियल्स को लेके, क्योंकि मैंने इसके फाइनेंशियल आपको ऑलरेडी दिखा रखे हैं कि इसके फाइनेंशियल आरओसी ही देखिए। अडानी के सारे शेयर में प्लेजिंग मिलेगी बट ये ओनली शेयर है जिसमें आपको प्लेजिंग नहीं मिलेगी। और बात की जाए यहाँ पर शेयर कंटिन्यूसली देखिए परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 446 करोड़ रुपये की सेल्स 496 करोड़ में बदल गई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 करोड़ का प्रॉफिट, यहाँ पर 213 करोड़ की प्रॉफिट में दो साल के अंदर अंदर ये चेंज होता हुआ ना जाए, 43 करोड़ का प्रॉफिट 145 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर जंप है। अगर बात की जाए यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में जंप है तो इसका बिजनेस देखिए ना, कंपनी बिजनेस कर रही है। दूसरे शेयरों में आपको बिजनेस कम ओके वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी बट इस शेयर को आए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। एज वेल एज की होल्डिंग भी देखिए, होल्डिंग की बात करें FIIs 20% है, DIIs तो चलो नहीं है, और यहाँ बात की जाए यहाँ पर प्रमोटर्स तो प्रमोटर्स 74% है। तो जो लोग डर गए थे वो डर गए थे। मार्केट कैप देखिए लार्ज कैप कंपनी है। और गैस का बिजनेस, यहाँ के बिजनेस मॉडल देखिए ना, यहाँ की वेबसाइट पर जाएंगे तो पता चलेगा कि इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं होती। कंसोलिडेशन फेज में जाते हैं ये शेयर। आज के दिन भी अगर हम बात करें तो आज के दिन भी लगभग 38% मतलब 13,67,000 शेयर यहाँ पर उठाते हुए हमें मिले हैं। तो पहली बात तो भागती हुई चीज़ को बिल्कुल मत पकड़िए ओके, और पकड़ भी रही है तो थोड़ा बहुत पैसा ही लगाइए, ज़्यादा पैसा मत लगाइए। मैंने देखा था काफ़ी लोगों ने, किसी ने 2 लाख किसी ने 3 लाख लगा रखे थे। तो अडानी का शेयर है, अडानी के शेयर में वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है, भागे हैं तो पागलों की तरह भागे हैं, कल की डेट में अगर गिर जाते तो ये 500 रुपये तक भी आ जाता ओके, बट इसका बिजनेस अच्छा था और आज के दिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया तो 10% भाग गया है। तो इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, फिर उसके बाद नीचे आया तो आपको बाय ऑन डिप्स करने का ही मौका मिलेगा ना। अगर आपने आपकी पूरी पूंजी यहाँ पर लगा दी तो फिर अगर कल के दिन यहाँ पर आया तो फिर आप खरीद नहीं पाएंगे ना। आप कल के दिन जैसे और आज के दिन गिर जाता तो मैं आपको रिकमेंडेशन क्या करता, मैं आपको रिकमेंडेशन देता कि आप इसे और खरीदिए। तो देखिए बेचने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बेच के आप निकल जाओगे, आप अपना लॉस करा लोगे एंड नथिंग एल्स, और वो भी तब जब कंपनी अच्छी है, जब बिजनेस कर रही है सब चीज। देखिए ऐसी गलती मैंने भी करी है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह देखिए, पहली बात तो गौतम अडानी साहब की कंपनी है ओके, कोई चिल्लर की कंपनी नहीं है, पहली बात बताना चाहता हूं, और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा माइंड है इनमें, इसलिए ये नीचे से ऊपर तक गए हैं। तो इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करिए और रिस्पेक्ट करके इनकी कंपनी की भी रिस्पेक्ट करिए। और कंपनी में भी कुछ कंपनी की अगर बात की जाए अडानी गैस की, मैंने आपको और दूसरे शेयरों में लगाने के लिए नहीं कहा बट मैंने हमेशा अडानी गैस पे बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इनकी प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज मेकिंग बिजनेस। इसलिए अब बात की जाए यहाँ पर देखिए, ये शेयर मैंने 5000 में लिया था ओके, अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया था ओके, और यहाँ बात की जाए तो ये शेयर मैं काफ़ी बार मैंने रिकमेंड भी किया था। मैंने शेयर अगर यहाँ पर लिया था तो देखिए यहाँ पर से अच्छा खासा बढ़ता, अगर 6 महीने की बात बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अगर शेयर यहाँ पहले ये शेयर यहाँ पर गिरा था ओके, फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर शेयर लिया तो फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो रहा था बट मैंने नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इसमें कुछ न्यूज़ है बहुत सारी, और जो ईयर ऑन द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर ये 10,000 रुपीज़ का मेरे को टारगेट साफ नज़र आ रहा है, ये गिरता जा रहा था, यहाँ पर आ गया था। मैंने फिर भी वीडियो बना के आपको बताया था कि यहाँ पर खरीदिए क्योंकि ये शेयर अच्छा खासा जंप मारेगा। कल के दिन भी न्यूज़ आई थी और अगर देखा जाए तो देखिए अच्छा खासा 4100 से लेके यहाँ तक जो जंप मारी है, 20% का प्रॉफिट आपको 2-4-5 दिन में 10 दिन में देते हुए मिल रहा है। तो ऐसे ही कंपनी में बने रहना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए अच्छा खासा है, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। गिर रहा है, बाय ऑन डिप्स करिए, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, ज़्यादा एक साथ पैसा लगा दोगे फिर बाय ऑन डिप्स करने का मौका नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी गलती मैंने देखी यहाँ पर किससे सीखी है, इससे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अगर हम 1 साल का चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी यहाँ तक गई थी, फिर इसका OFS आया था 980 के आसपास आया था आई थिंक, और 980 के आसपास आया था तो मैंने
मैंने भी ये शेयर 980 के आसपास लिया था और अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया था, और लेने के बाद ये कंटिन्यूसली गिरता गया था। तो अगर बात करें कितना 660 था, तो मैंने देखिए 990 पे लिया था और मैंने ये 800 के आसपास ये या 750 के आसपास मैंने बेच दिया था और मुझे अच्छा खासा मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये का लॉस हुआ था। और मैंने उस दिन के बाद यहाँ पर यह शेयर देखे और नीचे आया था तो मैं खुश हो रहा था, चलो मैं बच गया थोड़ा बहुत। बट उसके बाद जो भागा तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे रिटर्न दिया, 56% के रिटर्न इसने उसके बाद दे दिए। तो मुझे क्या उस दिन से मैंने गलती से पकड़ी, अच्छी कंपनी है, आपने चूज़ करी है कंपनी किसी रीज़न से, ओके, तो आप उस पर बिलीव रखिए और बिलीव रखने के बाद उसमें बने रहिए। गिरावट होती रहती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पीक लेवल पर खरीद लेते हैं और बड़े बड़े जो सियाने होते हैं ना, जो HNIs हो गए, DIIs हो गए या फिर FIIs हो गए, वो चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ते, वो सिंपली वेट करते हैं उनके गिरने का। और ऑब्वियस सी बात है कि शेयर इस तरीके से नहीं चलता, शेयर चलता है देखिए गिरावट जैसे ऊपर नीचे चल रहा है ऊपर नीचे, तो इस तरीके से शेयर चलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप पीक पे मत खरीदिए, आपको अगर पसंद आ रहा है कोई शेयर उस पर नज़र बना के रखिए और नज़र बनाने के बाद उसे खरीदिए, तब आपको फ़ायदा होगा। ICICI बैंक में भी देखिए मैंने, और न्यूज़ को तो बिल्कुल मत देखिए, न्यूज़ देखोगे आप बिल्कुल फंस जाओगे, क्योंकि ICICI बैंक अगर बात की जाए, यहाँ पर एक बार लास्ट टाइम एक बार अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हुई थी एक दिन, अब मार्केट अच्छा खासा गिर गया था ये इधर से आके यहाँ पर। तो मैंने क्या हुआ था, मैंने भी ये शेयर बेच दिए थे और फिर उसके बाद जो रैली बनाई थी 680 तक इसने रैली बनाई थी, वो रैली मेरे से छूट गई, ओके। और जबकि मैंने ये शेयर ना बहुत नीचे लेवल पर 350 के आसपास इधर इस लेवल पर लिया था और अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया था, प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ नो डाउट, बट जल्दी बेच दिया। तो ये भी एक सीखने की बात है कि न्यूज़ वगैरह देख के बिल्कुल भी मत करिए। और न्यूज़ आती है तो देखिए, कल फर्टिलाइज़र शेयर से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, 10% भाग गए लोगों ने कर लिया होगा, आज एक साथ न्यूज़ आई और आज एक साथ न्यूज़ आने पर आप देख सकते हैं हालत, यहाँ पर किसी में 4%, यहाँ पर देख सकते हैं किसी में 4%, किसी में 2%, किसी में 3%, इस तरीके की यहाँ पर आज गिरावट होती हुई फर्टिलाइज़र कंपनी में नज़र आई। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, आपने किसी बेस पर उस कंपनी को चूज़ किया है, तो पहली बात तो टॉप पर बिल्कुल मत खरीदिए, टॉप पर खरीद रहे तो थोड़ा बहुत पैसा लगाइए ताकि नीचे गिरे तो बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिला और अच्छा खासा आप पैसा मार्केट से कमा सके। और एक फिगर है RSI, इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए, इसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि ऊपर आ गया शेयर, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आप चुपचाप बेच के निकलिए। और लोग क्या करते हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और फिर यहाँ पर जैसे कल दो दिन तक अपर लोअर सर्किट लगा 20% और 10% का, उसके बाद आज के दिन यहाँ पर क्या हुआ, आज के दिन 10% ऊपर चला गया, लोगों ने फिर खरीदारी शुरू कर दी लोगों ने, और फिर अच्छा खासा शेयर भाग गया। तो इसलिए हर तरीके थोड़ा सोच के समझ के इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा मार्केट आपको रेस्पेक्ट करेगा, अच्छा खासा वेलकम करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। इसलिए डरने की बात नहीं होती, चाहे आप कोई सा भी शेयर लीजिए, आपने टॉप पर भी ले रखा है तो मैं आपको बताता हूँ, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, बाय ऑन डिप्स करने की ज़रूरत है। वेट करिए, अभी बाय ऑन डिप्स बिल्कुल मत करिएगा कि हाँ मैंने 1200-1250 का शेयर लिया था और अभी ये 1100 पे चल रहा है, तो अभी बाय ऑन डिप्स नहीं। अगर नीचे आता है मतलब 700 पे आता है, 800 पे आता है, उस टाइम एवरेज कर लीजिए, ऊपर डेफिनेटली आएगा और ऊपर आएगा। हाँ, टाइम लग सकता है हर चीज़ के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा और टाइम दोगे तो अच्छा खासा मार्केट से पैसा कमा लोगे। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, भागो मत, ओके, पेशेंस रखना सीखो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आपको हुए, करोड़ बिलियनियर और मिलियनियर, वो सारे के सारे बूढ़े हो गए हैं पैसा कमाने में। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी टाइम देना होगा तभी आप पैसा कमाएंगे। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, तो इसी से रिलेटेड वीडियो कल बनाई भी थी, यहाँ पर सब लोगों को मैंने, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने सबको जवाब भी दिया था। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी हो यहाँ पर आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आप उस चीज का जवाब दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।